हेलो स्टूडेंट, टुडे आई वांट टू एक्सप्लेन यू समथिंग अबाउट ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 कि 1926 में ट्रेड यूनियन के रेफरेंस में एक एक्ट जो है अप्रूवल हुआ था। उस एक्ट की कुछ समरी जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशंस, वेदर टेम्प्रेरी और परमानेंट। इट मे बी पॉसिबल कि ट्रेड यूनियन जो होता है एक कॉम्बिनेशन होता है, इसमें कुछ लेबर जो है लेबर फोर्स ज्वाइन होती है, तो ये एक कॉम्बिनेशन सेट है। ये इट मे बी पॉसिबल कि यह टेम्प्रेरी हो, कि आप किसी पर्पज़ के लिए आपने जो है वो ट्रेड यूनियन को फॉर्मुलेट किया हो, या ये आपका परमानेंट भी हो सकता है। फॉर्म्ड बाय द प्रीमिनरी और द पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन purpose for regulating and relation between workmen and employees, कि ऑलमोस्ट इसका जो मेन पर्पस होता है वो रेगुलेटिंग करने का होता है, एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना होता है एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में, या एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में भी एक बेटर और बेस्ट रिलेशनशिप को मेंटेन करना, और जो भी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस है एटलीस्ट उन कंडीशंस को रिमूव करना ट्रेड यूनियन का मेन पर्पस होता है। देन ट्रेड यूनियन आर फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। ऑलमोस्ट ट्रेड यूनियन जो प्रिपेयर की जाती है या फॉर्मुलेट की जाती है या एस्टेब्लिश की जाती है, तो उनका मेन पर्पस होता है कि ये लेबर फोर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, लेबर फोर्स को प्रमोट करती है, उसके मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है। देयर प्राइमरी फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। ऑलमोस्ट लेबर के साथ जो एक अनफेयर प्रैक्टिस होती है, इनका मेन पर्पस होता है उस अनफेयर प्रैक्टिस को रिड्यूस करना और रिमूव करना, इनका बेसिक जो है वो एम होता है कि लेबर फोर्स के साथ जो भी डिस्क्रिमिनेटिंग नेचर हो रहा है या अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है, एटलीस्ट ये उसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, की एटलीस्ट ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन क्या है। देन ट्रेड यूनियन इज अ सच ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ क्रिएटेड फॉर द वॉलंटरी और ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव स्ट्रेंथ। इट मे बी पॉसिबल कि जो ट्रेड यूनियन को ऑर्गेनाइज किया गया हो या क्रिएटेड किया गया हो, तो ये एक्शन एक वॉलंटरी एक्शन होता है। आप सेल्फ के बिहाफ पे डिसीजन लेकर के उसको ट्रेड यूनियन को फॉर्मुलेट करते हो, और एक कलेक्टिंग स्ट्रेंथ है कि बहुत सारे लोग किसी एक पर्पज़ के लिए कलेक्ट टुगेदर हो जाते हैं, तो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। ऑलमोस्ट ये वर्कर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड प्रोवाइड कराने के लिए ट्रेड यूनियंस जो है वो की जाती है। अब है स्कोप ऑफ ट्रेड यूनियन, कि ट्रेड यूनियन का एटलीस्ट स्कोप क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्कोप ऑफ दिस एक्ट, कि इस एक्ट का स्कोप क्या है। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ऑलमोस्ट इस एक्ट का सबसे पहला है कि ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, जहाँ ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन हो। एंड इन सर्टेन रेस्पेक्ट एंड डिफाइन द लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस, और ऑलमोस्ट जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उनके लिए लॉ प्रिपेयर करना इस एक्ट का मेन पर्पज़ है। या तो ट्रेड यूनियन एस्टेब्लिश हो रही है तो उसको रजिस्टर्ड कराओ, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनके लिए कुछ नॉर्म्स और रूल्स रेगुलेशन है। द एक्ट अपील्स रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, इस एक्ट का जो मेन पर्पज़ है वो है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को प्रमोट करना। उसके बाद है कवरेज ऑफ द एक्ट। दिस एक्ट स्पेसिफाई द मोड ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन। ऑलमोस्ट ये एक्ट जो है वो ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के मोड को एक्सप्लेन करता है कि हाउ द ट्रेड यूनियन रजिस्टर्स इट्सेल्फ। द एक्ट वॉज पोस्ड टू रेगुलेट। ऑलमोस्ट इस एक्ट को जो पास किया गया वो रेगुलेशंस के लिए किया गया कि ट्रेड यूनियन पर भी किसी स्टाइल्स के कोई नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस और प्रोविजन होने चाहिए। कंडीशंस ऑफ गवर्निंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, कि ऑलमोस्ट जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है एटलीस्ट उनको किस स्टाइल से गवर्न किया जाएगा वो होता है। ऑब्लाइजेशंस इम्पोज अपॉन द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, और रजिस्टर्ड जो ट्रेड यूनियन इनसाइड द कंट्री अवेलेबल है एटलीस्ट उनकी क्या ऑब्लाइजेशन है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या फंक्शंस उनको फुलफिल करने होंगे। राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ऑलमोस्ट जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है एटलीस्ट उनकी क्या लाइबिलिटीज है। देन फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, कि ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन किस स्टाइल से किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट टू रजिस्ट्रार्स, की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रार से अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा। देन मोड ऑफ रजिस्टर्स,
कि आप किस स्टाइल्स के मोड से अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाहते हो। एप्लीकेशन आपको रजिस्ट्रार्स को सेंड करनी पड़ेगी। जो भी प्रोविज़न कंटेंट्स आपके हैं आपको वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उसके बाद पावर जो भी है आपका पर्टिकुलर्स रिक्वायर पावर वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा और फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, सबसे फर्स्ट है अपॉइंटमेंट टू रजिस्ट्रार्स की आपको रजिस्ट्रार्स से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटेड बाय द appropriate government, then it may be possible कि it can be state government and it can be central government का registrations जो आपका department हो वो हो, कि आप central government के through registered होना चाहते हो, state government के through registered होना चाहते हो, तो आपको एक appropriate government को choose कर करके अपने आप को registered कराना होगा। तो registrar से आपको appointment लेना पड़ेगा। appropriate government can be also appoint as many additional and deputy registrars of trade union। ऑलमोस्ट जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उन्होंने अपने यहाँ एक एडिशनल और डिप्टी रजिस्ट्रेशंस ऑफ ट्रेड यूनियंस जो है वो अपॉइंट कर रखा होता है, तो आपका अपॉइंटमेंट उसके थ्रू भी हो सकता है। बट लिमिट विल बी डिफाइंड बाय रजिस्ट्रार्स, बट जो टोटल लिमिटेशंस होंगे वो रजिस्ट्रार्स के थ्रू डिफाइन होंगे। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशंस की आप किस मोड से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, इट इज़ एक्सप्लेन इन सेक्शन 4। इस एक्ट की जो सेक्शन है 4 वो ये एक्सप्लेन कर रही है। एनी 7 और मोर मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन कैन बी सब्सक्राइब, 7 या 7 से अधिक सदस्य किसी ट्रेड यूनियंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। द चार्टर ऑफ ट्रेड यूनियन, जो भी ट्रेड यूनियन का चार्टर है, रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स प्रोविजन जो भी है, बाय एप्लीकेशन एंड कंप्लिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अपने आप को अप्लाई कर करके और इस एक्ट के जो भी प्रोविज़न हैं आप उन प्रोविज़न के थ्रू अपने आप को अप्लाई कर करके और अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो। बी ए मेंबर इट मे बी पॉसिबल्स कि वो इनवैलिड हो और इट मे बी पॉसिबल्स कि वो आपका वैलिड पार्टिसिपेशन हो, बट वैलिड पार्टिसिपेशन ही आपका चलेगा, इनवैलिड आपका कैंसिल हो जाएगा। देन है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की किस स्टाइल से रजिस्ट्रेशन कराना है आपको, उसमें है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन की आपको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। इस एक्ट की जो सेक्शन 5 है वो एक्सप्लेन कर रही है कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन शैल बी मेड टू रजिस्ट्रार, ऑलमोस्ट ये रजिस्ट्रार के थ्रू मेड किया जाएगा। इन द कंप्ली विद द रूल्स एंड स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग पर्टिकुलर, उसमें कुछ रूल्स नॉर्म्स और कुछ पर्टिकुलर्स होंगे, उन पर्टिकुलर्स के बिहाफ पे ये सब कुछ प्रिपेयर किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम्स ऑक्यूपेशंस एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर्स, कि हाउ मेनी मेंबर्स आर इंक्लूड इन दिस एक्ट, देन नेम्स ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट जो भी इसमें ट्रेड यूनियन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, बेसिकली उनके ऑक्यूपेशंस क्या है और उनका एड्रेस क्या है। उसके बाद है नेम ऑफ ट्रेड यूनियन, कि उस ट्रेड यूनियन का नेम क्या है, कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, लेलिन, इंटेक एक्सेट्रा, और वेयर द हेड ऑफिस ऑफ दिस ट्रेड यूनियन, कि उनका एटलीस्ट हेड ऑफिस कहाँ है, आपको ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद टाइटल्स क्या है आपके उसका वो देना पड़ेगा, नेम्स, एज क्या है, एड्रेस क्या है, ऑक्यूपेशंस क्या है, और ऑफिस बियरर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। एनी मेंबर ऑफ टी यू विच इज़ इंटरेस्टेड, जो भी इसमें ट्रेड यूनियन का मेंबर इंटरेस्टेड होता हो एटलीस्ट उसको हम आप टाइटल्स दे सकते हो, उसको आप उस टोली का नायक जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद वेयर इट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉम फास्ट ईयर्स, की इससे एक साल पहले आप कहाँ काम करते थे वो आपको एक्सप्लेन करेगा। बिफोर मेकिंग दिस एप्लीकेशन, की एप्लीकेशन बनाने से एक साल पहले आप कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे, कहाँ वर्क कर रहे थे वो है। उसके बाद द प्रोविजंस टू बी कंटेन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, इसमें आपको जो भी ट्रेड यूनियन के आपके नॉर्म्स और रूल्स रेगुलेशन हैं एटलीस्ट इसमें आपको वह एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कि इससे पहले ये ट्रेड यूनियन कहाँ काम कर रही थी। देन नेम ऑफ ट्रेड यूनियन, अगेन आपको आपके ट्रेड यूनियन का नेम एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लिस्ट द मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन एंड देयर इंस्पेक्शंस, ट्रेड यूनियन के जितने भी मेंबर्स हैं उसकी लिस्ट को आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि हॉल ऑब्जेक्टिव फॉर विच द ट्रेड यूनियन हैज़ बीन एस्टेब्लिश, कि किन पर्पज़ के लिए ट्रेड यूनियन को इस्टेब्लिश किया गया था, बेसिकली आपको उन सभी पर्पज़ को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। उसके बाद है हॉल पर्पज़ फॉर विच द जनरल फंड ऑफ ट्रेड यू शैल बी एप्लीकेबल, कि आपने किस पर्पज़ के लिए अभी फ़ंड कलेक्ट किया, पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पर्पज़ के लिए ट्रेड यूनियंस के थ्रू फंड कलेक्ट किया जाता है, तो आप उसमें कुछ स्पेसिफाई और क्लियरिफाई भी कर दीजिए। मैनर फॉर एवरी अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द ऑफिस बियरर
डिसॉल्व ऑफ ट्रेड यूनियंस, ऑलमोस्ट आपने कौन से रिमूवल को डिसॉल्व किया और आपका जो अपॉइंटमेंट है, हर अपॉइंटमेंट को आप जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब करोगे। उसके बाद है एडमिशन ऑफ ऑर्डिनरी मेंबर्स एम्प्लॉय, कि आपने किस ऑर्डिनरी मेंबर को इसमें एम्प्लॉय जो है उसको अपॉइंट किया गया है। टू हूम ट्रेड यूनियन कनेक्टेड, कि जो ट्रेड यूनियन किससे कनेक्टेड है, ऑलमोस्ट आपके लीडर के बारे में टेम्परेरी है या परमानेंट है, उसका जो एग्जिस्टिंग ऑफिस है अभी आपके ट्रेड यूनियन का वो कहाँ पर है। उसके बाद है मैनर ऑफ एनुअल ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स एंड बुक, ट्रेड यूनियन की जो भी अकाउंट्स बुक है एटलीस्ट उसको आपको एनुअली ऑडिट कराना पड़ेगा, तो आपके ऑडिटिंग का मैनर क्या है वो भी देना पड़ेगा। कंडीशन अंडर द बेनिफिट एंटाइल्स द मेंबर्स, कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आपने किस किस मेंबर को किस किस स्टाइल से बेनिफिट प्रोवाइड कराया गया है। उसके बाद है पावर टू कॉल फर्दर पर्टिकुलर एंड रिक्वायर अल्टरेशंस ऑफ नेम, कि ऑलमोस्ट अगर आप नेम को अल्टरेट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, देन दिस इज इसके जो रिलेटेड जो प्रोविजन है इट इज़ एक्सप्लेन इन सेक्शन 7। इफ़ TU प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड इज आइडेंटिकल विद दैट बाय विच अनदर एग्जिस्टिंग्स, ऑलमोस्ट अगर TU ने अपने आप को रजिस्टर कराया है और उसका जो नेमिंग सेंस है वो ऑलरेडी किसी रजिस्टर्ड जो ट्रेड यूनियन है उससे मैच खाता है, तो आप अपने अल्ट्रेशंस के लिए एप्लीकेशंस दे सकते हो। शैल बी रिफ्यूज़ टू रजिस्टार्स, ऑलमोस्ट रजिस्टार के थ्रू भी ये रिफ्यूज़ कर दिया जाता है अनटिल सच अल्ट्रेशंस हैज़ बीन मेड, जब तक आप कुछ अल्ट्रेशंस नहीं करते हो तो रजिस्टार भी आपके नाम को कैंसिल कर सकता है और आप स्वयं भी कैंसिल करा सकते हो अगर आपको लग रहा है कि देयर इज़ सम मैचेज इन द नेम। देन आता है रजिस्ट्रेशंस, अब आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है अंडर सेक्शन 8। रजिस्ट्रार ऑन बींग सेटिस्फाइड दैट ट्रेड यूनियन हैज़ कम्प्लीट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, ऑलमोस्ट जब रजिस्ट्रार इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि ट्रेड यूनियन ने टोटल जो भी नॉर्म्स इस एक्ट के जो भी प्रोविज़न हैं उन प्रोविज़न को फुलफिल करते हुए टोटल जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है रजिस्ट्रेशंस के रिगार्ड में है, उस रजिस्ट्रेशंस के रिगार्ड में विद इन द पीरियड ऑफ 16 डेज आपको टोटल जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है, तो आपके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया जाता है। और आफ्टर दिस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विच शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट ट्रेड यूनियन हैज़ बीन ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, ऑलमोस्ट एक प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मे में आपको उस रजिस्ट्रेशन कंपनी रजिस्ट्रेशन जो आपका ऑफिस है उस ऑफिस के थ्रू आप ट्रेड यूनियन को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है जो इस बात का प्रूफ है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन, इस ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन अंडर दिस ऑफिस हो सकता है। अब है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि इस रजिस्ट्रेशन को आप कैंसिल भी करा सकते हो बाय द रजिस्टर्ड, ऑलमोस्ट रजिस्ट्रार के थ्रू कैंसिल किया जा सकता है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन ने अगर एप्लीकेशन दी है तो भी इसका कैंसिलेशन किया जा सकता है कि आप अप्लाई कर रहे हो कि नहीं मैं अब आगे इस नाम से काम नहीं करना चाहता हूँ, तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। सर्टिफिकेट हैज़ बीन ऑब्टेन बाय द फ्रॉड एंड मिस्टेक्स, अगर किसी ट्रेड यूनियन ने जो सर्टिफिकेट लिया है वो बाय द मिस्टेक्स या किसी फ्रॉड के थ्रू लिया है तो भी उसका कैंसिलेशन किया जा सकता है। TU हैज़ बीन चीज द एग्जिस्टिंग्स एंड विलफुली आफ्टर नोटिस फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन प्रोविज़न और एक्ट, अगर इस एक्ट के किसी प्रोविजंस के थ्रू ये लग रहा है कि ट्रेड यूनियन ने किसी स्टाइल्स का कोई रॉन्गफुल मैनर में कुछ लिया गया है तो भी कैंसिलेशन किया जाता है। प्रोवाइडेड दैट नॉट लेस देन 2 मंथ ऑफ प्रीवियस नोटिस, आपको जब नोटिस दिया जाता है नोट मोर लेस देन 2 मोर नोटिस राइटिंग स्पेसिफाई ऑन द ग्राउंड ऑन विच द प्रपोज्ड विड्रॉल, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप विड्रॉल कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो और आपका सर्टिफिकेट को कैंसिलेशन किया जा रहा है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो इन सब की इंफॉर्मेशन आपको 2 मंथ में प्रोवाइड करवा दी जाती है या आपके थ्रू की जाती है। ऑब्जेक्ट ऑन विच जनरल फंड मे बी स्पेंड, अब है राइट्स एंड लाइबिलिटीज, सबसे पहले उसको ऑब्जेक्ट ऑन विच जनरल फंड में भी स्पेंड, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है जिन पर आप जो आपने सब्सक्रिप्शन के थ्रू मेंबर से जो फंड कलेक्ट किया उस फंड को आप स्पेंड करोगे, उनका यूटिलाइजेशन आप किस स्टाइल से करोगे, एटलीस्ट आपको उसको स्पेसिफाई और क्लियरिफाई करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पस, कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस प्रिपेयर किए जाते हैं कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए आपने कुछ सेपरेट फंड रखा है तो आपको यहाँ उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसके प्रोविज़न प्रिपेयर करने पड़ेंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, अगर कहीं कोई क्रिमिनल लग रहा हो ट्रेड डिस्प्यूट को लेकर के तो आपको उसको भी सेटल डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद है
इम्यूनिटी फ्रॉम द सिविल सूट्स एंड सर्टेन केसेस, सर्टेन केसेस में आपको जो है वो सिविल्स की इम्यूनिटी को जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद है एनफोर्सबिलिटी ऑफ द एग्रीमेंट्स, जो भी एग्रीमेंट आप अप्रूवल करते हो उनको आप इन्फोर्सफुली जो है आप उनके थ्रू एग्रीमेंट प्रिपेयर करवा सको, ये भी होना चाहिए। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ ट्रेड यूनियन, ये राइट होता है कि वो आपकी बुक को कभी भी चेक कर सकता है। राइट टू माइनर्स ऑफ मेंबरशिप ट्रेड यूनियन, कि आपने कहीं माइनर को मेंबरशिप तो नहीं दे रखी है, तो ये एक ट्रेड यूनियन के जो है वो होते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन, कि ऑलमोस्ट जो ट्रेड यूनियन प्रिपेयर की जाती है उनके क्या ऑब्जेक्टिव है, वेजेस से रिलेटेड है कि वो वर्कर्स की वेजेस से रिलेटेड एस्पेक्ट पे काम करेंगे और उनके इंक्रीमेंट की हर संभव कोशिश करेंगे, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करेंगे ताकि एक बेटर एनवायरनमेंट में बेटर तरीके से फुली एफिशिएंसी के साथ वो वर्क कर सके। लेबर फोर्स में एक स्टाइल का डिसिप्लिन होना चाहिए कि वो अपनी बात को सही तरीके से सही मैनर में इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो प्रेजेंट करे, किसी स्टाइल्स का कोई वायलेंस वगैरह उसका यूज़ नहीं करे। पर्सनल पॉलिसीज़ की मैनेजमेंट के थ्रू जो है एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए कुछ बेटर पॉलिसी को फॉर्मुलेट करा सके, वेलफेयर के लिए स्कीम्स को लॉन्च करा सके ताकि उनको अदर फैसिलिटी का भी बेनिफिट मिलता रहे। उसके बाद एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना ताकि दोनों एक सही मैनर में एक दूसरे के इंटरेस्ट के साथ काम कर सके। उसके बाद नेगोशिएटिव मशीनरीज की इंफॉर्मेशंस को डिस्क्लोज करना, अप से डाउन पर और डाउन से अपर लेवल तक जो भी प्रॉब्लम्स है एटलीस्ट उसको इंट्रोड्यूस कराना, एक राइट मैनर में उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सेफगार्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का भी सेफगार्ड और इंटरेस्ट रहे और एम्प्लॉयज़ का भी सेफगार्ड और इंटरेस्ट रहे उसके लिए काम कराना। तो दीज आर सम समरी ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करूँगी। आफ्टर ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन वी डिस्कस ट्रेड यूनियन फाइनेंस एंड फंड्स, कि ऑलमोस्ट ट्रेड यूनियन को कुछ फाइनेंस कलेक्ट करना पड़ता है, फंड कलेक्ट करना पड़ता है, उनको बहुत सारे एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करना रहता है तो उसके लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये फंड लेबर यूनियन के मेंबर्स के थ्रू ही कलेक्ट किया जाता है। देन रेट ऑफ सब्सक्रिप्शंस ऑफ यूनियन मेंबर, कि एटलीस्ट वन मेंबर्स जो भी यूनियन का है उसका सब्सक्रिप्शंस में क्या रोल होगा, कितना पार्टिसिपेशन होगा, वो किस स्टाइल से सब्सक्रिप्शन पे करेगा, ये भी सेक्शन 6 में एक्सप्लेन की गई है। जो हमारी ट्रेड यूनियन की सेक्शन 6 होती है वो ये एक्सप्लेन कर रही है। सेक्शन 6 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोवाइडेड दैट द पेमेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शंस बाय द मेंबर शैल नॉट बी लेस देन, कि मिनिमम जो भी मेंबर्स पे कर रहे हैं ट्रेड यूनियन के वो इससे कम नहीं होना चाहिए। 1 रुपीज़ पर एनम फॉर रूरल वर्कर्स, अगर इंडस्ट्री रूरल एरिया में है, रूरल वर्कर है उसके एम्प्लॉयज़, तो एटलीस्ट 1 रुपीज़ पर एनम, 1 रुपया वार्षिक जो है वो उनको पे करना पड़ेगा। 3 रुपीज़ पर एनम फॉर द वर्कर ऑफ अदर रिकॉग्नाइज सेक्टर और अदर रिकॉग्नाइज सेक्टर से है, देन 3 रुपीज़ पर यूनियन मेंबर्स वर्कर्स उसको पे करना पड़ेगा। 12 रुपीज़ पर एनम फॉर द वर्कर इन अदर केसेज, और अदर केसेज है कि ना तो वो रूरल में आ रहा है ना अर्बन एरिया में आ रहा है, तो अदर केसेज में आपको ये जो पे करना पड़ेगा वो 12 रुपीज़ से भी मोर देन पे कर 12 रुपीज़ पर एनम जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ये है कि 1 रुपीज़ रूरल एरिया का, 3 रुपीज़ रिकॉग्नाइज एरिया में, 12 रुपीज़ इन अदर पर्टिकुलर एरिया, जो भी पर्टिकुलर एरिया है उसके लिए पे करना पड़ेगा। जनरल फंड, सेक्शन 15 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1969 लेज द पर्पस फॉर विच जनरल फंड ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन बी यूटिलाइज्ड। अब जो भी जनरल फंड प्रिपेयर किया गया है किसी भी ट्रेड यूनियन का, एटलीस्ट उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, ये एक्ट की 1926 एक्ट की सेक्शन 15 एक्सप्लेन कर रही है। द पेमेंट ऑफ सैलरी अलाउंसेस एंड एक्सपेंसेस टू द ऑफिस बियर ऑफ ट्रेड यूनियंस, अगर ट्रेड यूनियन का कोई ऑफिस है तो एटलीस्ट उस ऑफिस के एक्सपेंडिचर्स को फुलफिल करने के लिए ट्रेड यूनियन को ये पे कर सकता है, इस फंड का यूटिलाइजेशन कर सकता है। द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर है उसके पेमेंट के लिए भी जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। ट्रेड यूनियन इंक्लूड ऑडिट ऑफ द अकाउंट जनरल फंड ऑफ द ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन को अपना जो भी जनरल फंड होता है एटलीस्ट उसकी ऑडिट भी करानी होती है, जो भी फंड उसने कलेक्ट किया उसका वो यूटिलाइजेशन किस स्टाइल से कर रही है। द कंडक्ट ऑफ ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रेड यूनियन एनी मेंबर्स देयर
और जो भी डिस्प्यूट को सेटलमेंट के लिए भी आप जो भी ट्रेड यूनियन के थ्रू डिस्प्यूट का सेटलमेंट किया था एटलीस्ट उसमें भी इन एक्सपेंडिचर्स या फंड को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है कि कुछ पॉलिटिकल फंड होता है, पॉलिटिकल फंड का यूटिलाइजेशन ट्रेड यूनियन कंपेल टू गेट इन टू द पर्टिकुलर पॉलिटिकल स्पेयर्स, पॉलिटिकल का भी इन पे जो है डोमिनेंस होता है, कुछ प्रभुत्व होता है। अलग अलग जो ट्रेड यूनियंस होते हैं वो अलग अलग पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो ट्रेड यूनियन विच आर रजिस्टर्ड एंड परमिटेड फॉर द सेक्शन 16, जो सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग उनको परमिशंस दी गई है टू रेज ए सेपरेट पॉलिटिकल फंड, वो एक सेपरेट पॉलिटिकल फंड को प्रिपेयर कर सकती है। द पॉलिटिकल फंड कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंडिचर्स का यूटिलाइजेशन पॉलिटिकल फंड के थ्रू किया जाता है। फॉर होल्डिंग मीटिंग, सपोज कीजिए आप कोई मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आप पॉलिटिकल फंड का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, अगर आपको किसी स्टाइल के किसी डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उसमें अगर कोई एक्सपेंडिचर आता है तो उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है। फॉर होल्डिंग पॉलिटिकल मीटिंग, किसी पॉलिटिकल मीटिंग को अगर ऑर्गेनाइज करना है तो उसमें कर सकते हैं। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉल्स, जो भी रजिस्ट्रेशन में खर्च होता है एटलीस्ट उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब आता है अमाल कमीशन ऑफ ट्रेड यूनियन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 एंड 25, कोई भी ट्रेड यूनियन किसी अदर ट्रेड यूनियन के साथ जो है वो अमाल कमीशन कर सकती है। एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में भी अमालगमेट विद एनी अदर ट्रेड यूनियन, प्रोवाइड दैट एटलीस्ट 50% ऑफ मेंबर इन ईच सच यूनियन रिकॉर्ड देयर वोट्स। ऑलमोस्ट जो भी दो ट्रेड यूनियन है वो एक दूसरे के साथ अमाल कमिट कर सकती है, बट एटलीस्ट 50% जो है वो दोनों की वोटिंग होनी चाहिए और एटलीस्ट 60% जो वोट्स होते हैं वो इन फेवर में होने चाहिए अमाल कमीशन की। तो 60% की अगर वोटिंग हो जाती है दोनों को मिला करके तो वो दोनों एक दूसरे के साथ अमाल कमिट हो सकती है। ए नोटिस ऑफ अमाल कमीशन साइन बाय द सेक्रेटरी, जो भी यूनियन का सेक्रेटरी होता है एटलीस्ट उसको इस अमाल कमीशन का जो भी नोटिस है वो साइन कर करके, एंड लीस्ट इन 7 मेंबर्स ऑफ ईच अमाल कमिटिंग यूनियन, और जो भी एटलीस्ट 7 मेंबर्स जो हैं पर्टिकुलर दोनों साइड से उन दोनों के थ्रू ये साइन होना चाहिए, शुड बी सेंड टू द रजिस्ट्रार, और इसको रजिस्ट्रार को सेंड करना कंपलसरी होता है। अमाल कमीशन शैल बी ऑपरेट आफ्टर द रजिस्ट्रार रजिस्टर्ड द नोटिस, जब रजिस्ट्रार इस नोटिस को रजिस्टर्ड कर लेगा तभी से वो दोनों अमाल कमेट मानी जाएगी। तो ये भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे के साथ मिल सकते हो, 60% वोटिंग एसेंशियल है, 7 मेंबर्स पर्टिकुलर ईच जो टाइप से होता है वो उनको साइन करना जरूरी है और रजिस्ट्रार को इसका नोटिस सेंड करना कंपलसरी है। रजिस्ट्रार के नोटिस के बाद ही आप हो सकते हो। अब डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन की, आप ट्रेड यूनियन को डिसोल्यूट भी कर सकते हो। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन बी डिसॉल्व अकॉर्डिंग रूल, बट ये भी डिसॉल्व जो भी होगा वो भी अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स होगा। ए नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन साइन बाय एनी 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स जो भी हैं उस यूनियन के वो उस नोटिस को साइन करेंगे कि दे वांट टू डिसॉल्व, 7 मेंबर्स होंगे और सेक्रेटरी जो भी उस यूनियन का होगा वो रजिस्ट्रार के पास उसको ले जाएगा, जो भी आपका डिसॉल्व का नोटिस है उसको रजिस्ट्रार विद इन द 14 डेज ऑफ डिसोल्यूशन, जो भी आपके डिसोल्यूशन हो जाता है उस डेट के 14 डेज के ड्यूरेशंस में ही आपको ये डिसोल्यूशंस का जो नोटिस है वो रजिस्ट्रार को सेंड करना कंपलसरी होता है। ऑन बीइंग सेटिस्फाई, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है देन द रजिस्ट्रार सेल बी रजिस्टर्ड द नोटिस, तो रजिस्ट्रार उस नोटिस को रजिस्टर्ड कर लेता है। एंड यूनियन शेल स्टैंड डिसॉल्व फ्रॉम डेट, और फिर उसी डेट से वो यूनियन डिसॉल्व मानी जाती है। देन दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रेड यूनियन एक्ट 1940।